वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम जो हर सुबह हम लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो, जहाँ सुबह सवेरे हम खुदा उनका नाम लेते हैं, खुदा उनकी तमजीद करते हैं, खुदा उनकी बड़ाई करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उन बुजुर्ग बरतर का जिसने हमें जिंदगी की सांसें बख्शी ताकि हम खुदावन की हमद और तारीफ कर सकें, क्योंकि वो जिंदगी का खालिक और मालिक है। आइए आज के इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि सुबह सवेरे इस सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और मैं जैसे हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप सुबह मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अब अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर अपने पास रखा करें। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप दूसरों को जरूर इस बारे में बताएं। और ये एक मिशन है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ड्यूटी है, इसको एक खुदावन की तरफ से एक असाइनमेंट समझ के, एक काम समझ के कि खुदावन ने ये काम हमें दिया है, आप इस काम को आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। और अपने दोस्तों अजीजों को आप इस प्रोग्राम का लिंक जो है वो शेयर करें। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, इस जिम्मेदारी को समझें, तो आज आप अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, उनको जरूर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पर आप जब इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, या फेसबुक पे या बाइबल टीवी पे आप जब इसको देखते हैं प्रोग्राम को, इसकी रिपीट जो है उसके आप देखेंगे, तो आप जरूर अपने दोस्तों को आप बताएं ताकि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और इस इबादत में वो भी बरकत पा सकें। तो आइए खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को देखते हैं। जबूर में इस खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद की शफकत और उसकी कुदरत का इकरार करता है। हम जबूर 34 उसकी 11 आयत से खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और इसी की पैरवी कर। खुदावन की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, बहुत खूबसूरती के साथ खुदा उनका बंदा दाऊद इस जबूर में हमें ये राज बताता है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे खुदा उनसे बरकत पा सकते हैं। खुशहाली का राज जबूर नवीस बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। बदी को तर्क कर, नेकी का इरादा कर, रहम कर,
खुदा उन पर भरोसा कर। दीज आर द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, रेवरेंस ऑफ गॉड, लिविंग इन द फियर ऑफ गॉड, ट्रस्टिंग गॉड। हमें खुदा उन पर भरोसा करना है। आइए खुदा उनका शुक्र करें। हालेलुया, खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं आज की इस ताजा खुराक के लिए, इस मन के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदा उन तो हमें खुशहाल देखना चाहता है। खुदा उन हम जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं हमारे लिए बहुत सारी तेरे खुदा उन परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन खुदावन तू अपने लोगों को संभालता है। ऐ कदूस जिंदा बरहक पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, बहरो बर के खालिक, तू जो कदूस और पाक और जिंदा है, हम तेरे इख्तियार के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन, हम रात की मीठी नींद के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस रोशनी के लिए जो तूने हमें दिखाई, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, जो तुझ पर भरोसा और तवक्कल करते हैं यकीनन तू उन्हें संभालता है। खुदावन, शरीर बर्बाद हो जाएंगे, उनका नाम और निशान नहीं रहेंगे, लेकिन ऐ खुदावन तू साधकों को संभालता है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू हमारा पालनहार है, तू हमारा परवरदिगार है। खुदावन, हम जिंदगी की एक एक नेमत और बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन आज के इस प्रोग्राम में खुदावन तू हमारी रहबरी करना, अपने पाक रूह से मामूर करना। तेरे लोग ऐ खुदावन जहां जहां भी अपने घरों में, अपने काम काज पर, अपने खुदावन जिस जगह पर भी वो मौजूद हैं, खुदावन उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन इनके घरों के चौगिर्द, खुदावन की जिंदगियों के चौगिर्द खुदावन तेरे लहू की बाढ़ चाहते हैं। फिर खुदावन तू हमें हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रुदे। आज के सारे काम में खुदावन तुम्हारे साथ होना, तमाम इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं। यीशु के जिंदा, जलाली, कुदूस और बाबरकत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम में ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। अजीजो, बड़ा अच्छा लगता है खुदावन की तारीफ करना, स्ताइश करना। तो आइए खुदावन की मिलकर सब स्ताइश करते हैं, हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं। आइए हम अपने चर्च की जानब बढ़ते हैं, एस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की जानब, और सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करते हैं। Yeah.
सब जो जमीन दे वो गावन ले आओ। सबको दावत है कि खुदा उनकी तारीफ करें, खुदा उनकी स्तुतिश करें। जैसे कभी मैंने आपसे दरख्वास्त की कि आप भी इस तरह अपने दोस्तों को, अजीजों को आप दावत दे सकते हैं। There are some new friends in this morning and I would like to say welcome to them on this social media. मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहता हूँ किसी तरीके से आप अपने देखें, दिए से दिया जलता है। और एवेंजेलिज्म क्या है? एवेंजेलिज्म यही है कि जिसको नहीं पता उसको आप बताएं। एक खुदाम के खादम जो हैं वो मुनादी कर रहे थे और जब वो कन्वेंशन रहे उन्होंने पैगाम देना शुरू किया तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मैंने क्या पैगाम देना है। जो कन्वेंशन का मजमून था वो बैनर पर लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा जी आज आप इस मजमून पर बात करने को हैं। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया खुदाम के उस खादम ने कहा कि जिनको नहीं मालूम उनको आप ये बताएं। एंड दैट इज एवेंजेलिज्म। इस दुनिया में इस अंजील की खुशखबरी, ये पैगाम, ये मुनादी, खुदाम का जो खूबसूरत कलाम है ये उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक नहीं पहुंचा। यू कैन इमेजिन नॉट ओनली वन, नॉट ओनली हंड्रेड, थाउजेंड और मिलियंस, यू बी सरप्राइज बिलियंस ऑफ पीपल। इफ आई विल से मोर देन फोर बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड दे हैवंट हर्ड द गॉस्पेल। कितने लोग हैं जो खुदावन के बगैर, खुदावन को जाने बगैर इस दुनिया से चले गए और कितने लोग हैं जिन तक अभी तक खुदावन का कलाम नहीं पहुंचा, उन तक ये कलाम पहुंचाने की जरूरत है। मेरा बेटा एक दफा मुझसे ये बात करने लगा, कहने लगा डैड जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप अगर और जॉब करें। छोटा था उसको मालूम नहीं था। मुझे कहने लगा कि अगर आप कोई और जॉब करें तो यू कैन अर्न मोर मनी, कोई कारोबार कोई और कर लें। तो मैंने उसे कहा कि मेरा जो कारोबार है, मेरा जो बिजनेस है, ये तमाम दुनिया में है और मेरे जो बायर हैं, मेरे जो कस्टमर हैं वो पूरी दुनिया में है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा जिस चीज को मैं पेश कर रहा हूं, बट आई एम प्रेजेंटिंग द कस्टमर ऑफ दिस प्रोडक्ट,
are throughout the world. तो बहुत दफा वो मेरे साथ उसने सफर किया कनाडा अमेरिका और यूरोप में, तो छोटा था हैरान हो जाता, कहता है कि देखें जी आपको कितनी डैड इज्जत देते हैं लोग। मैंने कहा ये इज्जत जो है ये खुदावन के कलाम को है, जब आप खुदावन को इज्जत देते हैं खुदावन आपको इज्जत देता है, जब आप उसके कलाम को लेकर जाएंगे तो जैसे कि खुदावन के कलाम में लुका के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो हार्वेस्ट इज ग्रेट बट द लेबर्स आर फ्यू। किसके पास जाएं, कैसे ये काम करें, दीज आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग एवरी डे। लेकिन एक बात अपने गोश्तदार अपने जहन में रख लें, मैं आपके गोश्तदार करना चाहता हूं इस बात को अपने जहन निशीन कर लें, गॉड इज ओनली लुकिंग अवेलेबिलिटी एंड ही इज गिविंग अस अबिलिटी। खुदावन सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने आप को पेश करें, ही विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज, ही विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, ही विल ओपन द डोर फॉर यू, द मैटर इज आर यू अवेलेबल और नॉट, क्या आप अपने आप को पेश कर रहे हैं या नहीं। जो काम खुदावन ने हमें दिया है इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम, इट्स डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड बट नॉट फॉर डिफिकल्ट फॉर हिम। खुदावन ने 12 को चुना, उनको खुदावन ने इक्विप किया, तैयार किया, सिखाया। इसके बाद खुदावन ने 70 को चुना, उनको भेजा दो दो करके। फिर आप देखें कि पत्रस के पहले वास से माल की किताब में 3,000 लोगों ने खुदावन को कबूल किया, एंड विद दैट ग्रुप पीपल दे हैव रिसीव्ड द वंडरफुल गुड न्यूज, और आज दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है दे आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजीजो हमें इस काम को लेकर बढ़ना है। अगर आपके सामने शायद खुदा माफ करे कोई हादसा हो जाए, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पीपल आर डाइंग ड्यू टू दैट COVID-19, इस वबा से कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपके सामने खुदाम के पाकरू की रहनुमाई में आज सुबह ये चैलेंज रख रहा हूं। इट वॉज नॉट स्क्रिप्ट, दिस इज वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। I'm going to pass this message to you. We are very much concerned about the people, those who are dying with this coronavirus, whether they are in India or Pakistan, wherever they are. It's very painful. It's very disturbing. We are very much concerned about these people. Some people, they are literally crying upon the death of these people, those who are dying on the streets. They are dying without the oxygen. But the Holy Spirit is saying to you and to me, of course, people are dying without the oxygen, without the medicine, the lack of health care. What about the people, those who are dying without Christ? That is oxygen for the humanity. And millions and the millions of people, they are dying without Christ. Are you concerned about these people? If you are worried about all these people, those who are dying with this coronavirus, they are human beings, they are our brother and sister. We are concerned about them. But what about the people, those who are dying without accepting Jesus Christ and they are going to hell? They will experience the everlasting death. हम सब ने मर जाना है, कोई कोरोना वायरस से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई शुगर डायबिटिक से मर गया, कोई कैंसर से मर जाएगा, इट्स नॉट अ मैटर। वी आर इन अ क्यू, 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर में फिर भी फना, मर जाना है सबने। लेकिन वो जो खुदा यीशु मसीह में है उनके बारे में पालूस कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है
उन पर सजा का हुक्म नहीं। द पीपल दोज हु आर डाइंग विदाउट क्राइस्ट अराउंड अस, इट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द गुड न्यूज विद देम, टेल देम अबाउट क्राइस्ट। और अगर आप इस मैसेज को पास नहीं कर रहे, सुस्ती करते हैं, लापरवाही करते हैं, आप न्यूज को देखते हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखें जी मेरे लोग फोन कर रहे, भाई साहब देखें कितने लोग मर रहे हैं जी, बड़ा दुख हो रहा है जी। हाँ जी होता है, क्यों नहीं होता, हम इंसान हैं। कोई भी इंसान किसी इंसान को अपने सामने एड़ियां रगड़ते हुए मरते हुए नहीं देख सकता। बट माई कंसर्न इज नॉट अबाउट द फिजिकल डेथ ऑफ द ह्यूमैनिटी, माई कंसर्न इज अबाउट द स्पिरिचुअल डेथ ऑफ द पीपल, द पीपल दोज हु आर लिविंग डेड ऑन द स्ट्रीट्स, वो जो के यीशु के बगैर चलती फिरती लाशें आपको सड़क पर नजर आ रही हैं। Have you ever thought about these people? क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है? मैं उनको अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, I'm just sharing with you. I'm not foolish that I'm getting up early in the morning. I'm getting ready for this program. I'm spending money for this program. I'm using my time for this program. There's a purpose behind that. I'm concerned about your souls. मुझे आपकी फिक्र है, because खुदावन ने मेरी फिक्र की है। I'm worried about you. I'm worried about your families. I'm worried about your friends. God gave me a wonderful, wonderful church, and I'm responsible for these souls. I'm responsible for the souls those who are watching this program through this social media, through this Bible TV Global. So my concern is about all these people. My duty, my assignment is to proclaim the good news to these people. Are you with me or not? क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं? अजीजो, अगर आप इस अच्छे काम में साथ देना चाहते हैं, then take the responsibility और इस बात को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटें। दुखी हैं, परेशान हैं, लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, लोग मर रहे हैं एयर स्ट्राइक से, मिसाइल से। बहुत शोर कर रहे हैं हम कि जी फलस्तीन में ये हो रहा है, इसराइल में ये हो रहा है। कोई कह रहा जी मैं इसराइल के साथ हूं, कोई कह रहा जी मैं फलस्तीनियों के साथ हूं। क्या हम इंसानों के साथ हैं? Whether they are Palestinian or Israeli, whosoever they are people of God. हमें इस बात को देखना है कि खुदावन क्या कहता है। God says in the Bible, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन ये नहीं चाहता कि फलस्तीनी हलाक हों, खुदावन ये नहीं चाहता कश्मीरी हलाक हों, खुदावन ये नहीं चाहता कि इसराइली हलाक हों। इट्स अ डेविल, डेविल इज किलिंग द पीपल। शैतान जो है, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो फलस्तीनी हैं, चाहे वो इसराइली हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे इटालियन हैं, अमेरिकन हैं, whosoever they are, अब्लीस हलाक करने वाला है, वो हलाक करता है। लेकिन खुदावन रिस्टोर करता है। वो कहता है क्यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो दुआ करें कि जो भी इस दुनिया में लोग हैं वो खुदा उन पर ईमान लाएं। खुदा ने कहा कि अंजील का पैगाम जब तक दुनिया के कोने कोने तक नहीं फैलेगा, मेरी आमद नामुमकिन है। सो लेट्स थिंक अबाउट द पीपल दोज हु आर डाइंग विदाउट क्राइस्ट। आइए हम अपने मजमून की जानिब बढ़ते हैं। खुदा उनके जिंदा, खूबसूरत, लाख्ता, लातब्दील पाक कलाम को खोलिए, इस जिम्मेदारी को कबूल कीजिए, अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए। खुदा उनका ये कलाम जिसके बारे में हम गाते भी हैं, तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 11 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 13 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। The Luke chapter 11 verse 5. The Bible says, खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है,
फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सब बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कदूस पाक खुदा, हम इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर बुला सकते हैं, और तू हमारी इल्तजाओं को, फरियादों को, मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। अए जिंदा पाक खुदा, इस वक्त हम तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हेवनली फादर, वी गिव यू प्रेज दैट यू आर फेथफुल गॉड एंड यू आर ऑलवेज विद अस, यू आर सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वी आस्क योर अनॉइंटिंग एंड योर ब्लेसिंग अपॉन योर पीपल, प्लीज हेल्प अस, लीड अस, गाइड अस, इंस्पायर अस बाय द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट। Bless you people. In Jesus' name we ask this. Amen. So, एक दफा दो दोस्त जो हैं वो आपस में बाइबल मुकद्दस के बारे में बातचीत कर रहे थे, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं शर्तिया कह सकता हूं कि तुम्हें बिल्कुल बाइबल मुकद्दस का पता नहीं है। ये आपने क्या बात कर दी है, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा नाम ये है। उसने उसे कहा कि अच्छा, मैं तो ये समझता हूं कि आपको दुआ रबानी भी नहीं आती। तो थे वो दोनों मसीही क्रिश्चियन थे, नॉमिनल क्रिश्चियन, नाम लेवा क्रिश्चियन। उसने कहा कि अच्छा, अगर तू मुझे दुआ रबानी सुना दे, लॉर्ड्स प्रेयर इट इज वेरी कॉमन, रब की दुआ खुदा ने जो अपने शागिर्दों को सिखाई, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस द्वारबानी पर जरूर आपको टीचिंग दूंगा। उसने उससे कहा कि मैं तुझे 10 पाउंड दूंगा अगर तू मुझे द्वारबानी सुना दे। उस शख्स ने अपनी आंखें बंद की और उसने कुछ अल्फाज जो है वो इस तरीके से दोहराए, खुदा में तेरा शुक्र हो, मेरी रात भर हिफाजत करना, मेरी सब जरूरतों को पूरा करना। खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ तेरी मेहरबानी के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू हेवनली फादर, दैट्स इट। उसका देखा, मैंने तुझे द्वारबानी सुनाई है, और जिस शख्स ने शर्त लगाई थी उसने अपनी जेब में से 10 पाउंड निकाले
और उसको दिए, कहता है यार सॉरी मुझे नहीं पता कि द्वारबानी आती है। तो थे दोनों ही इग्नोरेंट, दोनों को नहीं पता था, दोनों ही अंधे थे, दोनों इस बात से बेबहरा थे कि दुआ क्या होती है, द्वारबानी क्या होती है। दिस इज द सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। हम लफ्ज दुआ को तो सुनते हैं, ऑल द कम्युनिटीज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर, चाहे आप उसको प्रार्थना कहें, प्रेयर कहें, दुआ कहें, दुरख्वास्त करें, इल्तिजा कहें, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस प्रेयर। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट एटिमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड ऑफ प्रेयर, I'll explain a little bit about that. But the thing is, how many people they know the true spirit of this prayer? What is prayer? Dua kya hai? Dua kaise mangni chahiye? Aur phir ye ke why God is not responding all the prayer? Tumam duaen jo hai wo kyun nahi suni jati? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दिस इज अ ग्रेट मिजरी व्हेन पीपल आर आस्किंग अदर पीपल फॉर प्रेयर और दे आर प्रेइंग देमसेल्फ व्हेन दे आर नॉट रिसीविंग द क्विक रिप्लाई ऑफ देयर प्रेयर दे स्टॉप प्रेइंग। इवन सम पीपल दे आर बैकस्लाइडर, खुदावंत से दूर हो गए हैं लोग, लोग चर्च जाना छोड़ जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ जाते हैं, दुआ करना छोड़ जाते हैं। खुदावन दुआ सुनता ही नहीं है, खुदा है ही नहीं है। तो दुआ को समझना, दुआ की रूह को समझना कि दुआ दर हकीकत क्या है, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी एटिमोलॉजी पे जाऊं, इसकी जड़ जो है दुआ की, इसके बारे में मैं बात करूं, सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि दुआ एक इबादत है। दुआ इंसानी रूह का खुदा तक रसाई हासिल करने का एक जरिया है। इट्स अ वे टू कम्युनिकेट विद योर हेवनली फादर। ब्रानी में जो लफ्ज तफिल्ला इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है इल्तिजा करना, मिन्नत करना, दुरख्वास्त करना, खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाह का एतराफ करना। इल्तिजा और दुरख्वास्त और मिन्नत हम कैसे कर सकते हैं? इफ देयर इज नो इंटीमेसी, if there is no fellowship with God, if you don't know who God is, दुआ के लिए जो पहली शर्त है वो ये है, you should be very affirm in your belief and you should be very conscious to whom you are praying, किसके आप किसको आप मुखातिब हैं, किससे दुआ मांग रहे हैं, बहुत जरूरी है। हु इज द ऑब्जेक्ट, किससे आप, हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप किससे दुआ कर रहे हैं? आप कहेंगे जी जो लोग खुदा को नहीं जानते, जो नॉन क्रिश्चियन हैं, वो भी तो दुआ करते हैं। The two things, the grace of God and the mercy of God. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। The mercy of God is for everyone. खुदा अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है। वो अपना मी बारिश आसमान से पानी सब पर बरसाता है। All the people in this world, whether they are believer or not, they are enjoying the sunshine, they are enjoying the beauty of sea, they are enjoying the mountains and the beauty of this universe, because
देयर इज मर्सी ऑफ गॉड, खुदावन का रहम और फजल वो मुझसे पाते हैं। फजल जैसे मैंने कल बताया था कि खुदावन की वो हमायत है जिसके हम हकदार नहीं है। वी आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, द पीपल ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें फजल से, खुदावन के फजल से निजात मिली है। रहम और फजल का जो थोड़ा सा मैं फर्क है वो यहां पर आपको बयान करना चाहता हूं। रहम क्या है? इफ यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड यू आर लुकिंग द बैगर, एक फकीर है, भिखारी है, आप उसको कुछ दे देते हैं, आप उस पर तरस खाते हैं, रहम करते हैं, आप उसको रुपया पैसा दे देते हैं, भीख दे देते हैं उसको, ये उसका हक नहीं है, आप उसको दे देते हैं, आप अपना राह ले लेते हैं। आप एक ऐसे शख्स को जिसको आप नहीं जानते, आप उसको भीख दे देते हैं, अपना पैसा दे देते हैं, आप उसको रहम, आपका आपके अंदर खुदा की वो सिफ्त है कि आप उस पर रहम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करें उस बैगर को, उस भिखारी को, यू टेक दैट पर्सन इन योर होम, आप उसको अपने घर में ले आते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि नाउ आई एम योर पापा, एज माई अदर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन दे आर कॉलिंग मी फादर एंड अब्बा या पापा, यू कैन कॉल मी दैट एंड यू गॉट द इक्वल राइट्स इन माई प्रॉपर्टी बिकॉज नाउ यू आर माई अडॉप्टेड चाइल्ड। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। वी आर एलियन, वी आर अवे फ्रॉम गॉड, खुदावन ने हमें दुनिया में से चुन लिया, अपने खानदान में शामिल किया, नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द हेवनली फादर। सो व्हेन यू आर प्रेइंग टू गॉड, खुदा यीशु मसीह ने जब दुआ रबानी सिखाई, ये बात याद रखें कि ये खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाई, ये शागिर्दों के लिए दुआ थी, हमारे लिए दुआ है। खुदावन को ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे कसूरों को माफ कर, क्योंकि उसके अंदर जात में गुनाह नहीं है, उसे कोई गुनाह नहीं किया, तो उसे हमें सिखाया। तो जो उसके शुरू में हम इस बात को देखते हैं, उसने कहा जब तुम दुआ करो, जब तुम दुआ करो तो कहो आए बाप, और फादर, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसका मतलब यह है कि जब हम इस फिक्रे को देखते हैं तो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देयर इज अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, इट शुड बी इन अवर प्रेयर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन अवर प्रेयर। व्हेन यू आर प्रेइंग टू गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप इन दैट प्रेयर, टू हूम यू आर प्रेइंग, आए हमारे बाप, और इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये खुदावन ने बड़ी खूबसूरत बात सिखा दी है कि ये पर्सनल नाउन नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव, आए मेरे बाप नहीं, आए हमारे बाप, वो हम सब का बाप है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई फेवर नहीं है। ये नहीं है कि वो यहूदियों का बाप है या क्रिश्चियन का बाप है तो मुसलमानों का नहीं हो सकता, या हिंदुओं का नहीं हो सकता, या सिखों का नहीं हो सकता, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वो आपका भी बाप हो सकता है अगर आप ये दुआ करेंगे, चाहे आप कोई भी हो। बट यू नीड टू एक्सेप्ट हिम, यू नीड टू रिसीव हिम एज योर हेवनली फादर इन योर हार्ट। आपको उससे दुआ करनी से पहले अपने उस रिश्ते को जानने की जरूरत है कि हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। हम उसे अब्बा यानी आए बाप कहकर बुलाते हैं। खुदा का पाकरू रोमी खत में हम इस बात को देखते हैं, हमें सिखाता है जिस तौर से हमने दुआ करना चाहिए, हम नहीं जानते, लेकिन उसका रूह आहें भर भर कर हमारे साथ उस बात के लिए हमें सिखाता है कि हमने किस तौर से दुआ करनी है। अजीजो, जब आप खुदावन से दुआ करते हैं तो ये बात देखिए, घर में अगर
आप बच्चों को फेवरेट बना लेते हैं ना, बाप सबका बाप है, किसी एक का नहीं है, सिर्फ बेटी का वो बाप नहीं है या बेटे का नहीं है, वो सबका बाप है। चिल्ड्रन दे गॉट द इक्वल राइट्स। अगर वो आप बायोलॉजिकल फादर हैं तो आप सबके बाप हैं। ना बेटा ये कह सकते मेरा ज्यादा बाप है, ना बेटी ये कह सकते मेरा ज्यादा बाप है। एज आई सेड दैट इवन द अडॉप्टेड चिल्ड्रन दे गॉट द राइट टू कॉल हिम अबा फादर। इस दुनिया का ये रूल है, कानून है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन दे गॉट द इक्वल राइट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। वो मेरास में शामिल है। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड एंड वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट वी गॉट द इक्वल राइट्स। हमें उस मेरास में हिस्सा मिलेगा, हम उसके हम मेरास हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस हवाले से आपके साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मेरा मजमून जो है वो डिफरेंट है, तो मैं देख रहा हूं कि टाइम बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। तो पहली जो बात आप अपने जेन नशीन करें वो ये है कि जब आप दुआ करते हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ही इज अ लविंग फादर। वो मोहब्बत करने वाला बाप है जिससे हम दुआ करते हैं। खुदा से रफाकत, द फेलोशिप विद योर गॉड, दैट्स अ ह्यूमन नीड, इट्स अ डिजायर। हमारे अंदर ये एक जो है ना एक ख्वाहिश है, दिस इज अ वैकम इनसाइड ऑफ अस। हर इंसान के अंदर एक खला है और ये खला जो है, ये जो वैकम है, ये सिर्फ खुदा ही भर सकता है, कोई और दुनिया की चीज नहीं भर सकती। ये भी याद रखें कि दुआ जो है ये एक फितरती फेल नहीं है। गौर से मेरी सुनिए, कोई जिबिलती जो आपको जिबिलत है ना, जो हमारी नेचर है, ये वो नहीं है। इसकी तहरीक जो है वो खुदा के रूह और सच्चाई से हासिल होती है। द होली स्पिरिट इज ड्राइविंग अस, गिविंग अस इंस्पिरेशन, द ट्रूथ, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज टीचिंग दैट प्रेयर। इसे शागिर्दों का हमें सिखा कि दुआ कैसे करनी है। इसकी तहरीक खुदा के रूह और सच्चाई से हासिल होती है। योहन्ना की अंजील ब्याह का 4 बाप उसकी 24 में, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और रोमी 8 बाप में हमने इसी का हुआ भी है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत खुशी और इत्मीनान है। तो ये कोई हमारी जिस्म की ये ख्वाहिश नहीं है, दैट्स नॉट अवर फिजिकल डिजायर, इट्स अ स्पिरिचुअल डिजायर। इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती जब हम उसको एक फिजिकल डिजायर के तौर पर पेश करते हैं। फिजिकल नीड्स व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग इन योर प्रेयर, इसलिए वो दुआएं पूरी नहीं होती, उनका जवाब नहीं मिलता। यशाया का 1 बाब देखें, थोड़ी सी बाइबल स्टडी और हम जरा थोड़ा सा इसको थोड़ी सी अल्फाज इन पर जरा हम और ज्यादा गौर करेंगे। यशाया नबी का सहीफा उसका 1 बाब और उसकी 15 आयत को हम देखेंगे। यशाया चैप्टर 1:15, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेरूंगा, हाँ जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। खुदा कहता है कि जब तुम तुम्हारे अंदर देखे, जबूर भी ये कहता है कि बदी मेरे दिल च जो होवे जरा कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। इफ आवर प्रेयर आर सेल्फ सेंटर्ड, इफ वी आर प्रेइंग विद द रॉन्ग मोटिव्स, विद द रॉन्ग डिजायर। मैं पिछले दिनों टीवी पर एक बड़े ही मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनको मैं देख रहा था, और
अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोग भी वहां पर खड़े थे और सब आमीन आमीन कहे जा रहे थे, और वो दुआ क्या कर रहा था, तो खुदावन अल्लाह ताला तू हमारे दुश्मनों को मलिया मेट कर दे, तू इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, तू फ्लां कर। खुदावन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, कलम ने और गिव योर एनिमीज, प्रे फॉर योर एनिमीज। और उसने दुनिया जहान के, उसने कहा जी मुस्लिम उम्मत को तू बख्श दे, उनको बहाल कर दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, और साथ साथ जो भी नॉन मुस्लिम थे सबकी तबाही और बर्बादी के लिए, जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तबाही और बर्बादी के लिए वो दुआ किए जा रहे हैं। और उसको ये नहीं पता था कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में फ्रांस की तबाही बर्बादी, अरे यार भाई वहां पर भी मुसलमान रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, इंग्लैंड में भी रह रहे हैं, अगर यहाँ पे तबाही होगी तो क्या मुसलमान बच जाएंगे, अगर यहाँ कोरोना आया तो क्या मुसलमान बच जाएंगे। ये बड़ी गलत अप्रोच है। मैं एक दफा एक टॉक शो देख रहा था, काफी साल पहले की बात है, तो लाइव प्रोग्राम था, तो उसमें किसी ने क्वेश्चन किया उस मुस्लिम स्कॉलर से कि जी अगर आपका जो नेबर है वो गैर मुस्लिम है, आपका जो पड़ोसी है वो गैर मुस्लिम है, तो आपका रवैया उसके साथ कैसा होना चाहिए। तो उस भले आदमी ने, उस मुसलमान ने उसे कहा, उस स्कॉलर ने कि जी दो तरह का जहाद है, वो जहाद होली वॉर क्या है, होली वॉर थ्रू सॉल्ट, आप तलवार से जहाद कर सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं, जो ये भी एक जहाद है, और दूसरी तरह का जो जहाद है वो आपके एटीट्यूड से, रवैये से, कि आप अपेरेंटली सुपरफिशियली यू कैन शो द लव, आप उसे सलाम दुआ लें, हाथ मिलाएं, चेहरे पे हाँ क्या हाल है जी आपका, ठीक है, अच्छा भाजी ठीक है, तो आप उससे ऊपरी मोहब्बत रखें, सुपरफिशियल मोहब्बत रखें, लेकिन दिल में ग्रज रखें, उसके लिए गुस्सा रखें दिल में। मुझे बड़ा ही गुस्सा, मैं कह यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, आई वाज सो अनॉयड विद दैट। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये आप कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, या कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप अपने दिल में दूसरे के लिए बदी और गुस्सा रखें, और जाहिरी तौर पर आप उससे मुस्कुराएं, उससे हाथ मिलाएं, उसको हेलो हाय करें, ये कहां की मोहब्बत है भाई, ये कहां का दर्स है। तो क्योंकि लाइव कॉल थी तो उसने वो मेरी कॉल जो है वो कट कर दी, जवाब नहीं दिया। लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम विद द, वो कहते हैं ना, नीम अकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान। तो जो लोग ऐसी आपको तालीम देते हैं तो कैसे दुनिया में अमन और सलामती होगी। आज आप देखें कोई समझाने वाला नहीं है, हम दुआएं ये कर रहे हैं कि खुदावंद तू इसराइल को हलाक कर दे, इसराइल को तबाह कर दे, और फलस्तीन को तू बहाल कर दे। शायद आपको यह तजर्बा नहीं है, आप नहीं गए वहां पर, कि जो 50% ज्यादा जो पैलेस्टीनियन है वो काम करने के लिए इसराइल में आते हैं, यरूशलम में, वहां पर उनकी दुकानें हैं, वहां पर उनका बिजनेस है, और हमास जो टेररिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाला हैं, वो इनसे खुश नहीं है, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आप दुआएं मांग रहे हैं कि खुदा ने इसराइल को तबाह कर दे। मैंने शुरू में ये कहा है कि दुआ ये करें कि खुदावन सारी दुनिया में अमन और सलामती पैदा करे, फ्रांस के लिए, इंग्लैंड के लिए तबाही और बर्बादी ना मांगे, अमेरिका के झंडे ना जलाएं, अमेरिका को तबाह ना करें, वहां पर हजारों की तादाद में वहां पर मुसलमान भी हैं। खैर ये तो बड़ी अजीब बातें हैं। जो आइडियोलॉजी होती है ना वो बड़ा रोल अदा करती है, और ये जो ऐसी आइडियोलॉजी है ना, नजरियात, इसलिए मैं कहता हूं कि मसीह जो है वो नजरिए पर नहीं है, इसकी बुनियाद जो है वो सच्चाई पर है। खुदा ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो प्लीज अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने जो नजरियात हैं, उनको थोड़ा सा परखें और एक दूसरे प्यार करें। दुआ के
जो बहुत सारी अकसाम हैं, लेकिन तीन जो अकसाम हैं वो हैं सिफारशी दुआ, शुक्रगुजारी की दुआ और दुआए तनवीर। अगर आपने दुआ के बारे में और ज्यादा सीखना है तो आप जरूर YouTube पर जो मेरी पूरे एक बाइलिंगुअल हमने टीचिंग दी है डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग के साथ मिलकर, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें आप सीखेंगे, तो जरूर आप लॉग इन करें और वीडियोस को देखें। बल्कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं www.bibletvglobal.com तो उस पर पूरी एक सीरीज है दुआ के हवाले से, तो जरूर आप उसको सुने, उन वीडियोस को देखें, तो खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा। मैं क्विकली जो है ये बताना चाहता हूँ, एक मैंने ये दुआ की, जब आप दुआ करते हैं तो उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि आप खुदावन की हमदो तारीफ करें, स्ताइश करें, उसके बाद आप अपनी जो शुक्रगुजारी है खुदावन के उसको पेश करें, अपने लिए अपनी जिंदगी के लिए खुदावन का शुक्र अदा करें, उसके बाद आप जो है वो दुआए जो सिफारशी जो प्रेयर इंटरसेशन है दूसरों के लिए आप दुआ कर सकते हैं। आखिर में जितनी भी दुआएं आप करते हैं उनको खुदा यीशु मसीह के नाम से कहें कि उसके नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। और फिर दुआए तनवीर जो है उसमें हम पाक कलाम की रहनमाई के लिए जो है वो दुआ खुदा से करते हैं। तो ये मुख्तलिफ दुआ के जो आप कह रहे हैं कि तरीकाकार हैं, उसकी जो अकसाम हैं उन पर हम जरूर और भी ज्यादा हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो दुआ में खुदा का नाम लेना और दुआ में खुद ही को तर्क करना, हलीम और फरोतन बनना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। और दुआ में परसिस्टेंट होना, अभी हमने खुदा के पाक कलाम में देखा कि अगर एक दोस्त जो है वो नॉक कर रहा है, परसिस्टेंट है इन इज रिक्वेस्ट के लिए, मेरे दोस्त आया मुझे रोटी, तो कहता है उसकी बेहयाई के सबब से उठकर उसको वो रोटी देगा। सो इफ यू आर परसिस्टेंट इन योर प्रेयर, मैं इसके लिए जो पंजाबी का लफ्ज, शायद इसको बहुत सारे लोग मायूब भी समझें, लेकिन ये लफ्ज इसकी जो एटमोलॉजी है, जो रूट है, वो लीच है, झोंक जो होती है, तो चिमट जाए खुदावन के साथ। पंजाबी में लफ्ज है लीचड़ हो जाना, यार बंदा लीचड़ ही हो गया है ना, चिमट ही गया मनु, तो खुदावन के साथ चिमट जाए। यानी जो खुदावन मुझे तूने बरकत देनी है, और लीचड़ होने की एक, चिमटे रहने की एक मिसाल जो है वो याकूब की हम देखते हैं कि वो कुश्ती करता रहा खुदावन के फरिश्ते, चिमट गया, उसने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत नहीं देगा। हम जैसे बच्चे नहीं होते, माँ बाप के साथ चिमट जाते हैं ना, टांगों के साथ चिमट जाते हैं, मैं जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे ये चीज लेकर दो। तो कहता है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी चीज देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूट दस क्यों ना देगा, चिमट जाए उसके साथ। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज है क्लिंग, क्लिंग विद हिम, जफी पालना, बस जी खुदावन तूने मुझे देना है, मैंने किसी को नहीं जानता, ना मैं किसी के पास जाना है, ना मैंने किसी मजार पे जाना है, ना मैंने किसी और जगह जाना है, खुदावन तूने ही मुझे देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुआ कैसे करनी चाहिए, उसका तरीका कार जो है क्या है, जिस्मानी जो आपकी बॉडी जो पॉस्चर है वो क्या होना चाहिए, हाथ उठाकर भी दुआ, हाथ चुकते तो मंगा दुआ, जबूर 28 उसकी दुआ है, हाथ उठाकर खड़े होकर खुदावन के हुजूर, उसकी हैकल में हम देखते हैं कि लोग खड़े होकर जो है वो दुआ करते थे, और फिर घुटन टेक कर खुदावन के हुजूर दुआ करना, और सर नंगू होकर सर घुटनों में देकर खुदावन से दुआ करना, और मुंह के बल गिरकर हाथों को आसमान की तरफ फैलाकर दुआ करना, ये भी खुदावन के कलाम के मुताबिक है। दुख में, तकलीफ में, राख में हम बैठकर खुदावन से दुआ करते हुए लोगों को देखते हैं, और नैनवा में लोगों ने खुदावन से दुआ की, और रोजा और दुआ जो है ये दोनों बड़ी ही जबरदस्त इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। तो जब आप खुदावन के घर की तरफ हम देखते हैं, लोग रुक करके दुआ करते थे, तो अब इसमें ये सारे मेथड हैं, घुटने टेक कर, जो यूहन्ना है उसको कहा जाता है अपोस्टल ऑफ द कैमल नी, उसके घुटनों पे निशान पड़े, पंजाबी कहना कूड़े पै जाना, तो सख्त हो गए थे उसके घुटने हैं, इतना दुआ गुट, ऐसे नहीं खुदावन ने मुकाशवा दे दिया उसको। तो दुआ करने के लिए घुटनों के बल होना बड़ा ही जरूरी है, और अच्छा पैगाम जो है वो आपको घुटनों के बल ही मिलता है, जब आप खुदावन के जूर सन्नगु होते हैं, जब आप झुकते हैं, खुदावन की कुदरत का इकरार करते हैं, अपनी कमाईगी का, अपनी कमजोरी का खुदावन के जूर इकरार करते हैं, तो खुदावन के साथ चिमट जाना
घुटने टेकना, उसके हलीमी फरोतनी और इंकसारी का इजहार है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूं। दुआ के लिए आप कहेंगे पासन, एक जो बड़ी जरूरी बात है रोजे और दुआ के हवाले से, इज नो टाइम, ऐसा कोई नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम की, इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, यू कैन प्रे टू गॉड एनी टाइम, लेकिन सुबह सवेरे। हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल काम है पाजी, जरा होंगे ना आसान जब टाइम ना, ठीक है 10-11 बजे उठे दुआ कर लिया, 5-10 मिनट चलो कोई। यीशु मसीह सी जिंदगी सीखे, 33.5 साल उनकी उम्र थी, 3.5 साल उन्होंने खिदमत की, लिखा कि वो घंटों दुआ करते थे, खुदावन सुबह सवेरे उठकर पहाड़ पर चले जाते, तन्हाई में दुआ करते। इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। हम दानियल की जिंदगी से सीखते हैं कि वो खिड़की खोलकर दिन में 3 बार दुआ करता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना नमाजों का, 5 नमाजें 3 नमाजें, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर वेरी क्लियर इन द बाइबल। आप खुदावन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस रिलेशनशिप को समझना बड़ा जरूरी है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बच्चों को बाप के पास या माँ के पास आने के लिए कोई टाइम की वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। दे कैन कम टू योर बेडरूम, दे कैन कम टू योर सिटिंग रूम, दे कैन कम टू योर स्टडी, एनी टाइम बाप के पास आ सकते हैं। तो बाकायदगी के साथ, सादगी के साथ दुआ करना ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, और दुआ में खुदा पर भरोसा और खुदा पर यकीन रखना, ईमान रखना, ये बहुत जरूरी बात है। यकूब के खत में हम कहते हैं कि जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाएगी खुदा उनसे सुनेगा, अगर किसी ने गुनाह किए तो उनके भी माफी हो जाएगी। और रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा तबीयत इंसान, तो उसने दुआ की और आसमान से पानी बरसा, उसीजो दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें हम्बलनेस, इंकसारी, हलीमी, फरोतनी, ईमान, सादगी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। दुआ में दूसरों को नीचा दिखाने कुछ ना किया करें, क्योंकि मैं बड़ी लंबी दुआ की थी, उन्होंने तो दुआ करने मुझे ध्यान दिया, उसको तो पता ही नहीं दुआ कैसे करनी है। 2 लोग हैकल में दुआ कर रहे थे, एक फरीसी था और दूसरा एक गरीब शख्स। तो उसने कहा तो खुदा मैं देख, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं पूरी दाइया की देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो दूसरा शख्स जो था उसने शर्मिंदगी से, हलीमी और फरोतनी से आसमान की तरफ आंखें उठाकर भी उसने देखना, नहीं खुदा मैं इस लायक नहीं। और जो परिजन का शुक्र है मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूं, खुदा ने कहा कि नहीं, इसकी दुआ कबूल हुई जिसने फरोतनी और इंकसारी के साथ दुआ की। दुआ में दूसरों के लिए बदखोई ना चाहें, उनके लिए बुरा ना चाहें, बल्कि दूसरों के लिए बरकत चाहें, दुश्मनों के लिए बरकत चाहें, खुदा ये कहता है उनके लिए दुआ करें। तो दुआ में आपकी जो नीयत है, आपको जो फोकस है वो क्या है? Not personal intention. Don't pray with I want mentality. I want this, I want that, I want. एक prayer list बनाई होती है हमने, पूरी एक list बनाई होती है shopping की। तो खुदावन को dictate ना किया करें, खुदावन को dictate ना किया करें। खुदावन की अपनी timing है, उसको follow करें। This is a timetable of God. So prayer में persistent होना, शायद आपकी request के लिए 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 दिन लग जाए, doesn't matter. Keep praying. दुआ करते रहे और खुदा जरूर दुआ का जवाब देता है। आपकी दुआएं जो है वो वहां पर खुदा उनके उसमें ना वर्तमान में वो रखी हुई हैं, और वो उसमें जो खुदा उनका पाक कलाम है वो हमें सिखाता है कि आपकी जो दुआएं हैं वो बड़ी कीमती हैं, और वो खुदा उनके हजूर जो है वो डेली जाती हैं, और खुदा जो है उन दुआओं का जवाब देता है। ये बात बड़ी जरूरी है कि आप इस बात को देखें कि जब आप दुआ करते हैं तो आप ये मत सोचें कि जी खुदावन हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता और उनको सुनता नहीं है, उनको जवाब नहीं देता। खुदावन जरूर जवाब देता है, लेकिन उसके लिए हमें खुदावन पर भरोसा और तवक्कुल करने की जरूरत है। खुदावन के हुजूर आपकी दुआएं जो हैं वो बखूर की मानद पहुंचती हैं और उसके मजबा पर जो है वो पेश की जाती हैं। तो अजीजो, खुदावन पर उम्मीद रखते हुए, खुदावन पर भरोसा करते हुए उसका शुक्र अदा करें कि खुदावन हर वक्त और हर जगह हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मिलकर
इस बात का अदा करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, और खुदावन का शुक्र करें कि जो मुकद्दसीन की दुआएं हैं वो खुदावन के हजूर हैं और खुदावन जो है वो उनका जवाब देता है। तो आइए हम दुआ करें, खुदावन का शुक्र अदा करें और खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें हलीमी, फरोतनी और इंकसारी की रूह बख्शे, ताकि हम हर वक्त और हर जगह खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन जो मेहरबान है, कदूस और पाक है, खुदावन की तारीफ हो, उसकी स्तायश हो, कि आसमान पर ईमानदारों की दुआएं सुनने के लिए खुदावन मौजूद है। हम चंद लम्हे जहां पर भी आप हैं, आप अपने आप को खुदावन के हुजूर पेश करें, खुदावन का शुक्र करें, और आप मेरे पीछे आप इस दुआ को दोहरा सकते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट आर्ट, टू लर्न द स्किल हाउ टू प्रे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू आस्क हिम टीचर्स हाउ टू प्रे। जैसे शागिर्द उन्होंने यीशु से कहा कि हमें दुआ करने सिखा, हमें खुदावन से दरख्वास्त करने की जरूरत है उसके पाक रूह के लिए कि वो हमें सिखाए कि किस तरीके से दुआ करनी है। और खुदावन का रूह हमारे अंदर सुकूनत करता और हमें सिखाता है। खुदावन के जोर हलीमी फरोतनी से आप अपने हाथों को बुलंद करके खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए, इफ यू आर अलोन नोबडी इज वॉचिंग यू बट द गॉड इज विद यू, सो यू कैन कम ऑन टू योर नीज, आप अपने घुटनों पर होकर खुदावन से दुआ कर सकते हैं, आप अपने हाथों को बुलंद करके खुदावन से दुआ कर सकते हैं, खुदावन का शुक्र कर सकते हैं। आप इस दुआ को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तायश हो, क्योंकि तू हमारा खुदा है। आए पाक खुदा, हमें हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रूह दे। आए पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु अलमसीह के लिए, जिसने हमें दुआ करना सिखाया। आए पाक खुदा, हम दुआ करते हैं अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, कि पैरो खुदावन तूने बरकत दे, अपने लोगों की हिफाजत और निगेबानी कर। आए कदूस, आए पाक खुदा, तू मेरे साथ हो, तू मेरे घराने के साथ हो, तू मेरी कौम के साथ, मेरी कलीसिया के साथ हो। पाक खुदा, तू बरकत दे, क्योंकि तू बरकत का सचश्मा है। ऐ जिंदा पाक खुदा, तू मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा, जलाली और बा बरकत नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदावन मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। जी तो चाहता था कि आपके साथ और ज्यादा वक्त दुआ में गुजारा जाए, लेकिन वक्त जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। कल हम दुआ के मकासद जो है उन पर हम गौर करेंगे। मैं इस मजमून को अभी फिनिश नहीं करूंगा, कल फ्राइडे है और कल हम इस सब्जेक्ट को, इस वीक के जो हमारी बाइबल स्टडी है उसमें इस सब्जेक्ट को मैं खत्म करूंगा। ज्यूल ऑफ द क्रिश्चियन लिविंग का ये सेकंड जो हिस्सा था, पहले हमने फॉरगिवनेस के बारे में सीखा,
माफी के बारे में अगर आपने इस बात को मिस किया है तो आप YouTube पर जाकर उनको देख सकते हैं। वो तीन सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं फॉरगिवनेस के हवाले से। आज हमने दुआ के हवाले से पहला सबक जो है वो सीखा है, तो कल हम सीखेंगे कि दुआ के मकासद क्या है, क्योंकि विदाउट पर्पस दुआ करना भी कोई फायदा नहीं है। कैसे बस बैठे हैं आंखें बंद करके, तो कोई ना कोई मकसद, जैसे रोजा है उसका भी कोई ना कोई मकसद होना। खाली पेट रहना, भूखा रहना, वो डाइटिंग प्लान तो हो सकता है, लेकिन वो डाइट प्लान जो है वो दुआ नहीं हो सकती। इसी तरह जो रोजा नहीं हो सकता, तो दुआ जो है ये सिर्फ खामोश रहना और कोई और सोचते रहना बातें आंखें बंद करके, तो वो दुआ नहीं है। दुआ जो है वो उसके मकासद जो है उन पर हम गौर करेंगे कि जब हम दुआ करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, और हम ये भी सीखेंगे कि खुदावन जो है वो किस तरीके से उन मकासद को पूरा करता है। जरूरी नहीं कि हमारे सारे मकासद जो है पूरे ही हों, तो कौन से मकासद जो है जिनको खुदावन जो है पूरा करता है। सो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाय।